मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, वार्ड पार्षद 37, धनबाद नगर निगम। आज स्टार सिटी 24 न्यूज को मैं 3 वर्ष पूरे होने पर इस स्थापना दिवस पे उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से ये खबरों को, सही खबरों को प्रकाशित करते आ रहे हैं, आगे भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये इसी तरह काम करते हैं। विश्व बैंक टीम ने तेजस्विनी परियोजना के तहत संचालित योजनाओं का लिया जायजा। पढ़ाई छोड़ने वाली किशोरियों को मुख्य धारा से जोड़ने का अहम कड़ी। चंदनकियारी प्रखंड के बांसतोड़ा पंचायत भवन में तेजस्विनी परियोजना का एक कार्यक्रम रखा गया, जहां तेजस्विनी परियोजना के तहत संचालित योजनाओं की जायजा लेने विश्व बैंक की टीम पहुंची। विश्व बैंक टीम ने उपस्थित बच्चियों से पढ़ाई छोड़ने के कारण तथा उनके लक्ष्य के बारे में पूछा, जहां बच्चियों ने अपनी समस्याओं को बताया तथा तेजस्विनी परियोजना ने जीवन सुधारने की बात बताई। मौके पर विश्व बैंक के टोनी ओलिया ने बताया कि चंदनकियारी में ऐसे जो अपनी गरीबी के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन किशोरियों को मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें 8वीं तथा 10वीं आपसे कराई जाए, साथ ही उनके जीवन स्तर को उलार उठाने के लिए आर्थिक दृष्टि से स्वरोजगार से जोड़ा जाता है, जिसके माध्यम से किशोरियों को मशरूम उत्पादन, सिलाई, फूड प्रोसेसिंग, प्रधान रसोईया, नर्सिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कॉल सेंटर आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। बताया कि चंदनकियारी प्रखंड में 2019 से तेजस्विनी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से 21 क्लस्टरों में चल रही है, जिसके माध्यम से लगभग 10,000 किशोरियों को प्रशिक्षण दिलाया गया है तथा वर्तमान में लगभग 550 बच्चियां विभिन्न ट्रेडों की ट्रेनिंग ले रही हैं, जो आगे चलकर अपनी जीविकोपार्जन खुद कर सकती हैं। इस अवसर पर विश्व बैंक की ओर से मोहम्मद असलम अली, सुदीम, मैडम सुनीता, मैडम नुपुर, रमनीकांत, शोभा पापिया, बंटी शर्मा, प्रकाश सिंह पांडे, वीडियो अजय कुमार वर्मा, ओम प्रकाश यादव समेत अन्य लोग उपस्थित थे। हमारे साथ आज जो वर्ल्ड बैंक की टीम है, हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि टीम हमारी जो प्रगति है, जो तेजस्विनी की जो प्रोजेक्ट चल रही है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, उसकी प्रगति देखने के लिए आई है। जहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जैसा कि मैम का फीडबैक भी दिख रहा है कि वो यहाँ बच्चियों से मिल के काफ़ी उत्साहित हैं, और उनका जो भी क्वेश्चन है, उनका जो भी मोटिवेशन है, उससे सभी लोग यहाँ खुश हैं। हम लोग उत्साहित हैं कि मैम के सहयोग से हम लोग और भी बच्चियों का बहुत ही उत्थान कर पाएंगे और इसी दिशा में हम लोग सतत प्रगति। तेजस्विनी जुड़े हुए बच्चों को क्या लाभ मिलेगा? अभी जैसे तेजस्विनी में जो भी बच्चियां, जो यहां पे हमारा एजुकेशन का सेंटर चल रहा है, एजुकेशन में जो भी बच्चियां ड्रॉप आउट थी, उनका पहले ब्रिज कोर्स कराया गया है। ब्रिज कोर्स के बाद NIOS के माध्यम से उनकी जो स्कूलिंग है, वो स्कूलिंग कंप्लीट कराई जाती है। इसके बाद स्कूलिंग के बाद तो आप जैसे जानते हैं कि पढ़ाई कंप्लीट होती है, तो फिर सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनसे उनको जोड़ने का प्रयास किया। इस तरह की कार्यक्रम कहाँ कहाँ हो रही है सर? जिले में बहुत, ये हमारा बेसिस पे चलता रहा। 17 जिला में, जिले में अभी टोटल 17 ऐसा प्रोजेक्ट अभी हमारा चल। बोकारो जिले में 17 को? बोकारो में 9। और चंदनकियारी प्रखंड में? चंदनकियारी में एजुकेशन। आखिर श्रीमान, वर्ल्ड बैंक ने तेजस्विनी परियोजना प्रोजेक्ट को शुरुआत क्यों किया, कारण क्या रहा? देखिए, बहुत सारी ग्राउंड लेवल पे दिक्कतें होती हैं, जिस कारण से बच्चियों की पढ़ाई छूट जाती है। कभी आर्थिक स्थिति होती है, कभी स्कूल दूर हो जाता है, कभी सुरक्षा का हो जाता है, या उनके पास साधन नहीं होता है कि वो स्कूल तक पहुंच सके। ऐसी बच्चियों को आइडेंटिफाई करके उनको समाज में सशक्त रूप में लाना, जहाँ पे एक पुरुष को जितनी सहभागिता मिल रही है, उतनी महिलाओं और बच्चियों को भी सहभागिता मिले, इसी उद्देश्य के साथ तेजस्विनी प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक ने हमारे सहयोग किया है, ताकि हम जो खाई हैं एक बच्चे और बच्चियों की, उसको पाट सकें। सहयोग किसको कर रहे हैं सर, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को? हम लोग जो ग्राउंड लेवल पे बच्चियां हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सहयोग। तो आप मान रहे हैं सर, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कुछ कमी रख दिए हैं, इसलिए आप लोग सहयोग कर रहे हैं? उनका ही एफर्ट है, जो कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जो भी गैप बच गया था, उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। थैंक यू। हमारे साथ वर्ल्ड बैंक से शुभा मैम आई हुई है और वाशिंगटन से टोनी मैम आई हुई है।
जो तेजस्विनी योजना चल रहा है उसको देखा जा रहा है कैसे चल रहा है। मैम लोगों ने सारे लड़कियों से मिला, उनसे बात की कि ये तेजस्विनी योजना कैसे चल रहा है। उन लोग अपना इच्छा बताया कि हम लोग अच्छा लग रहा है, हम लोग टेंथ में पढ़ाई कर रहे हैं और एट क्लास भी पास कर जाएंगे। तेजस्विनी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसी को देखने के लिए मैम लोग आई। सर मेन उद्देश्य क्या हुआ यहाँ आकर तेजस्विनी के साथ? क्या क्या कुछ बच्चियों से मिला जानकारी? बच्चियों से मिलने के बाद यही लगा कि बच्चियों में बहुत ज़्यादा उत्साह है पढ़ाई के प्रति और आगे बढ़ने के प्रति उत्साह है और पढ़कर वो आगे बढ़ना चाहती है और अपने राज्य का नाम रोशन करना चाहती है। ये तो बच्ची की बात हुआ सर, आप लोग क्या करने चाहते हैं जो वर्ल्ड बैंक आए हैं, बच्चों लोग के लिए क्या करने चाहते हैं? ये तो वर्ल्ड बैंक द्वारा ही बच्चियों लोगों को एट और टेंथ पास कराया जा रहा है। हाँ। उन लोगों को लाइफ स्किल दिया जा रहा है, ये तो किया ही जा रहा है। भविष्य के लिए मैं क्या कहूं, भविष्य के लिए इनको स्किल वगैरह से जोड़ा, स्किल एजुकेशन वगैरह भी दिया जा रहा है, इन लोगों को स्किल ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है।